Today we are going to learn about continuity. This is very important chapter for calculus. First of all, देखते हैं कि continuous function होता क्या है. Continuous function का general सा meaning है कि वो function जिसका आप graph बिना pen उठाए draw कर सकते हो. Simple. जिसका graph आप बिना pen उठाए draw. ये सब क्या है continuous function. अब कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए मतलब वो पता करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये पता करने के लिए आपको सिंपल सा मेथड पता करना है कि सपोज करो मेरे फंक्शन को लेते हैं, आपको पता करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है. तो सिंपल सा मीनिंग कि आप इसमें चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट ए लॉग माइनस का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, पता करो आप राइट हैंड लिमिट और भी उसका वैल्यू निकालो उसी पॉइंट पे. अगर ये यू इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. मतलब पहले हमने पता क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके बाद हमने उस फंक्शन में वैल्यू पुट करके निकाल लिया. अगर तीनों का वैल्यू सेम आया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद हम वैल्यू डाल के चेक करेंगे. अगर तीनों सेम आए इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही सकता नहीं हो सकता है. लिमिट एग्जिस्ट करना सिर्फ एक पार्ट है उसका. देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन का वैल्यू. तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो अब ये नहीं हो सकता कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. उसके बाद हमको चेक भी करना पड़ेगा उस पार्टिकुलर पॉइंट वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. अब सपोज करो कि बोला कि y इक्वल्स टू x स्क्वायर, एक नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है. अब सपोज करो मेरा y इक्वल्स टू 1 बाय x. अब ये क्या है, आप सोचो मैं x का हर एक वैल्यू ले सकता हूं लेकिन आप क्या ले सकते, जीरो नहीं ले सकते. क्योंकि अगर आप 1 अपॉन 0 लोगे मतलब समथिंग अपॉन 0 सम फाइनाइट वैल्यू अपॉन 0 वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा. इसलिए आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन क्या नहीं ले सकते, आप जीरो नहीं ले सकते. इसका मतलब ये जीरो पे क्या है, मतलब पहले डोमेन फाइंड किया जीरो पे क्या फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है क्योंकि लिमिट ही नहीं कर रहा है. और अगर लिमिट ही नहीं कर रहा है फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा. मतलब आपको क्या चेक करना है कि पहले डोमेन चेक करना है, ठीक है. डोमेन चेक करने के बाद सोच लो अगर अगर फाइनाइट वैल्यू आ रहा है इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा, ओके आया. अगर इंडिटरमिनेट पॉइंट आ रहा है उसको वैल्यू काउंट लो हटा देंगे. सपोज करो मैंने अगर आप जीरो पुट कर देते तो अगर जीरो पुट करते तो क्या 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, इसे हमने क्या किया जीरो को हटा दिया. तो जीरो पे क्या होगा, जीरो पे डिस्कंटिन्यूअस होगा, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस होगा. उससे कोई भी लीनियर फंक्शन की बात करो, सपोज करो मैं लीनियर फंक्शन y को सो क्या ax + b सपोज करो, ये का हर एक वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस है. तो ये कहीं भी किसी भी x के लिए क्या है, y अनडिफाइंड नहीं आ रहा, हमेशा का हमेशा कंटीन्यूअस है. अब सपोज करो मेरा क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर bx + c, सपोज करो मेरा क्वाड्रेटिक है. तो ये क्वाड्रेटिक क्या है, ये पॉलीनोमियल फंक्शन है. पॉलीनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है क्योंकि इसका डोमेन क्या है, एक नॉर्म का. आप कुछ भी कर वैल्यू का डिफाइन है कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होगा. तो इस तरह आपको चेक करने के कहां फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है कंटीन्यूअस है, तो आपको सिंपल सा देखना है कि फंक्शन अनडिफाइंड कहां आ रहा है, कहां उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो चेक करना है. जहां एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको हटा देंगे, जहां एग्जिस्ट करेगा उसको रख लेंगे. फिर चेक भी कर लेंगे उस पार्टिकुलर पॉइंट पर. सपोज हम क्वेश्चन करते हैं, पहले उसको लिख लो रोल नंबर लो कि पॉइंट पर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस y = 1 / x - 2. अब क्या होगा, क्या पहले x का कुछ भी वैल्यू लो ये डिफाइंड होता है, लेकिन अगर जैसे आपने 2 भी लिया तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा. मतलब क्या है, ये एट x = 2 फंक्शन इज व्हाट, डिसकंटीन्यूअस. तो सिंपल आपको पता करना है कि डिनोमिनेटर में जीरो कहां होता है, वो जीरो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ
एंड डिफाइन दैट, इसका मतलब क्या डिस्कंटीन्यूअस। सब कुछ करो, सेकंड क्वेश्चन f x equals to 1 by 2 sin x minus 1। अब पता है पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कहां कहां ये डिस्कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हमेशा इसका वैल्यू क्या फाइनाइट आएगा।
फिफ्थ एफ एस इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। अगर से ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, सबसे पहले चेक करो वन अपॉन वन माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। सबसे पहले यहां एक रेशनल फंक्शन है, यहां एक रेशनल फंक्शन है, वो क्या है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। अब यहां कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या आप भी ले सकते, मतलब पहले तो मान लो डिसिमिलिटी क्या होगा, एक हो गया टू, क्योंकि टू पे यही डिफाइन किया हुआ फंक्शन क्यों डिफाइन होगा। उसके बाद ये क्या होता है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कहां निकालने कहां नहीं होगा हमारा ई पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होना चाहिए, जीरो का होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा, मतलब पॉइंट वैल्यू ये क्या है टू कॉमा वन है, दो पॉइंट आए, क्यों दो पॉइंट आए, ध्यान से देखो कैसे, एक तो पहले ये डिफाइन की ये तो ये डिफाइन होना चाहिए क्योंकि अगर x को 2 ले लिया तो क्या होगा फंक्शन डिफाइन ही होगा, तो पहले हमने 2 हटा दिया, उसके बाद अगर 1 ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस e पावर माइनस 0, तो पहले 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, और नीचे डिवाइड में 0 बनाना आप नहीं पॉसिबल नहीं कर सकते। आई हैव आगे बढ़ो फिफ्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू जी आई एफ ऑफ एक्स ऑफ एक्स जी आई एफ और माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ये क्या है, ये जी आई एफ, जी आई एफ मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, सपोज मैं बोला कि 2.5 का दिया है, 2 होगा, 2.9 का दिया क्या होगा 2 होगा, तो ये कम नहीं है। अब इसके बाद आपने दो बार स्क्वायर देगा तब को डरना नहीं है, सिंपल से सोचो जी आई एफ का इंटीजर क्या, इंटीजर ही होगा, क्योंकि आप 2 का जे हो तो 2 नहीं आएगा, 3 का जे हो तो 3 नहीं आएगा, माइनस 3 का जे हो तो माइनस 3 आएगा। ठीक है, लेकिन तो इंटीजर है तो जी आई एफ का क्या होगा, एक इंटीजर होगा, उसका क्या होगा वो इंटीजर ही देगा। इसका मतलब क्या है, सेम आपने पहला चीज क्या सोचा, ये तो जेल और जेल क्या दे देगा, सेम दे पहला कौन से के हुआ, दूसरा कौन सा। अब सोचो ध्यान से, मैं हमने ये पहले भी प्रॉपर्टी में बताया था, एक्स प्लस इंटीजर होल जेल इसका वैल्यू क्या हुआ, एन प्लस जेल को एक्स। ठीक है, इसका मैं सकता हूं माइनस जेल को एक्स माइनस वन, बाहर लाओ क्या आएगा, इसका मतलब एफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स प्लस वन का मतलब क्या होगा, पहले तो वाई एक्स, वाई एक्स वन दिस इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या, दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स टू बी शुवा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स टू बी शुवा, तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब बेसिक चीजें तो सीखो, हमने अभी तक क्या किया, हमने ये पता किया कि अगर रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन मतलब क्या है, जो भी फंक्शन पी ऑफ फंक्शन के फॉर्म में, तो हमें सिंपल से देखना कि कहां ये नीचे जीरो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसिमिलिटी हो जाएगा, कहां फंक्शन डिफाइन नहीं है वो चेक करना है, जैसे पता चलेगा आपको पॉइंट ऑफ डिसिमिलिटी पता चलेगा। अगर आपको पॉइंट दिया हो चेक करने के लिए तो सिंपल लेते हैं लिमिट इक्वल टू लाइन में, लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, अगर होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तब इसके हम क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था वो नॉर्मल सही क्वेश्चन था कि नीचे जीरो कहां होगा, रेट में जीरो कहां होगा, वो पॉइंट ऑफ डिसिमिलिटी वाला है।